वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का 1.3 चैप्टर जो है पढ़ाने के लिए चल रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे एक प्रश्न आना मस्ट है, यानी पेपर में आप लोगों के एक प्रश्न जरूर से जरूर आएगा। ये आप भूलना नहीं, भूलने की गलती भी नहीं करना क्योंकि ये प्रश्न कन्फर्म है, यानी यहाँ से आना कन्फर्म है। तो चलिए देखते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जो घंटी का निशान बना है उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो यहाँ से डालेंगे वैसे आप लोगों के पास उसकी सूचना यानी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मोबाइल पर पहुँच जाएगी और आप लोग वीडियो तुरंत देख सकते हैं। तो ये काम करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम पहला प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम सिद्ध करने के लिए इसके विरोध मान लेते हैं, इसके अपोज मानते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, हम इसको मान करके हल करते हैं। अगर हमारी ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब इसको जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किसके रूप में होती हैं, यानी परिमेय संख्या जो होती है हमारी वो p/q के रूप की होती है। p/q का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। p/q का मतलब होता है कोई भिन्नात्मक संख्या होती, कोई भिन्न वाली संख्या होती है। और इसमें एक चीज हमको और भी ध्यान देना है, यानी q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली जो संख्या है हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है लेकिन नीचे की संख्या जो क्यू होनी होती है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर 0 नहीं है तो परिमेय संख्या होगी, यानी इन दोनों में हमें संख्या मिलनी चाहिए, p/q के रूप में संख्या होनी चाहिए और वो संख्या का नीचे वाला जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंश हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अगर जब 5 को मान लिया है परिमेय संख्या तो ये इसके रूप की है, तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी √5 जो है p/q है, यानी जब हमने मान लिया परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या है, भी परिमेय संख्या, कहने का मतलब ये संख्या हमारी √5 जो है वो p/q के रूप की है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो यानी 5√5 का वर्ग करेंगे और ये लिखेंगे पी का वर्ग, p² / q² हो जाएगा, या इसको जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 = p² / q² या 5q जो है, यानी 5q = p² / q, यानी ये q यहाँ चला गया, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर जो लगा है स्क्वायर लगाएंगे अगर तो ये √ हमारा हट जाएगा और इसमें लगा देंगे दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, जहाँ से एक q यहाँ पर हम ले गए, क्योंकि q जो है, क्योंकि हम 5q का पूर्णांक है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 5q का पूर्णांक, 5q का क्या है, पूर्णांक है, यानी 5 जो है q का
पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी पी स्क्वायर क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कहने का मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्यू को और भी और पी को विभाजित कर दे। तो लेकिन कह रहा है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पी स्क्वायर बटा क्यू जो है, पी स्क्वायर बटा क्यू ये बराबर नहीं है पाँच क्यू के, यानी पी स्क्वायर बटा क्यू जो है ये पाँच क्यू के बराबर नहीं है। अगर ये पाँच क्यू के बराबर नहीं है तो जो हमारा आया है ये पाँच क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, ये जो है आया है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे आया है पाँच क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये परिणाम जो है जो हमको प्राप्त हुआ है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड समीकरण और फर्स्ट वाला समीकरण ये है। तो यहाँ पे हम सेकंड यानी जो हमको परिणाम मिला है, यानी जो परिणाम मिला किसमें, समीकरण दो में, यह उसके विपरीत है, यह उसके विपरीत है। यानी जो हमको परिणाम यहां पे मिला था पांच क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू जो है, पी स्क्वायर बटा क्यू जो है वो पांच क्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका पी स्क्वायर बटा क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जो अगर ये इसके बराबर नहीं है तो क्या है, यानी जो हमने कल्पना मानी थी, जो हमने मान लिया था कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना के विपरीत जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको ये मान के चलिए कि एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, अंडर रूट तीन, अंडर रूट दो, अंडर रूट पाँच, ये सारी संख्याएं जो हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यही तरीका सब पे लागू होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है सिद्ध करना है तीन प्लस दो रूट पाँच, सिद्ध करो तीन प्लस दो रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसको हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट तीन प्लस दो अंडर रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे जो हम अंडर रूट पाँच का बता दिए, सेम इसी तरीके से अंडर रूट तीन, सेम इसी तरीके से अंडर रूट दो का भी मान, अंडर रूट सात का मान, अंडर रूट छः मान, सब का मान इसी तरीके से हमको निकालना रहे, मतलब सबको इसी टाइप से हमको सिद्ध करना रहेगा। कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे, जरूरी नहीं है कि अंडर रूट पाँच ही का पूछे, तीन का, दो का, छः का, सात का, ऐसी संख्याओं का पूछ सकता है जिनकी गुणनखंड नहीं होते हैं। तो ऐसी संख्याओं के गुणनखंड, ऐसी संख्याओं को हमें सिद्ध करने के लिए सेम यही तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है तीन प्लस दो रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इसको भी उसी तरीके से हम मानेंगे, यानी मान लेते हैं, माना तीन प्लस दो रूट पाँच एक परिमेय संख्या है,
यानी हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अगर इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो किसके रूप का होगा, यानी पी बाई क्यू के रूप का होगा ये, यानी तब 3 + 2√5 ये बराबर होगा पी बाई क्यू, यानी पी बाई क्यू के रूप का ये होगा हमारा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू −3 = 2√5, 2√5। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ पे गुणा है 2, इसको लाके इधर करते हैं, यानी π/2q − 3/2 √5। देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा छिप गया था, देखिए ध्यान नहीं दिए, यानी 3 + 2√5 = p/q, ये इसके बराबर होगा। अब इसको हम सरल करते हैं, यानी 3 को ले जाते हैं इधर, तो हो जाएगा p/q − 3 = 2√5, या 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं हम, तो हमारा क्या बचता है, जब 2 लाएंगे इधर तो इसके नीचे 2 हो जाएगा, इसके नीचे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है ये कि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, यानी √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि p/2q − 3/2, क्योंकि ये 2 इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, बराबर √5 बचा। अब क्योंकि हम √5 एक परिमेय संख्या है, हम प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं। यानी √5 जो है एक पर अपरिमेय संख्या है, हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या है और इसका मान इतना होता है, यानी ये बराबर इसके है, तो ये क्या है हमारी, ये तो हमारी परिमेय संख्या आ रही ना, यानी ये और ये मिलकर के क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 के बराबर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो √5 का मान जो इतना आ रहा है, अतः हम लिख सकते हैं कि हमको जो दी गई संख्या है 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये मान जो आ रहा है, यानी 3 + 2√5 का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, √5, और √5 पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, 3 क्वेश्चन है इसमें, 1/√2 पहला वाला बताते हैं पहले, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक बटा रूट दो जो है एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम 1/√2 को हम लिख सकते हैं a by b या p/q इस रूप में लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका त्रिक गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2a/b या √2/b/a,
यानी अंडर रूट दो बराबर बी बटा ए। कहने का मतलब ये हो गया कि ए बटा यानी बी बटा ए जो है एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अंडर रूट दो भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बराबर आ रही है, पर हमने इसको माना है, यह इसका विरोधाभास है। कहने का मतलब यह हो गया कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि, लिखना पड़ेगा विरोधाभास है कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है। यह मानना गलत है, यह मानना गलत है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, यह मानना बिल्कुल गलत है। तब हम लिख सकते हैं अतः एक बटा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है यानी अंडर रूट दो एक बटा रूट दो जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये उल्टा आ रहा है, हम जो माने हैं उसके विपरीत आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, हमने परिमेय संख्या इसका माना है और परिमेय सिद्ध हो रहा है, तो ये परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा वाला, ये तो आपका पहला वाला हो गया था, इसी का दूसरा पार्ट है। कह रहा है सात रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है सिद्ध करना है। तो इसको भी वही सिद्ध करना है, यानी ये पी बाई क्यू के रूप का होगा, सात रूट पाँच जो है ये किसके बराबर होगा, पी बाई क्यू के रूप का होगा, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट पाँच बराबर, अंडर रूट पाँच बराबर हम लिख सकते हैं पी बाई सेवन क्यू। अब पहले ही प्रश्न में हमने सॉल्व कर दिया है कि अंडर रूट पाँच जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो एक ये अगर अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो है जो मान आ रहा है वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो यही तो सरल करके ये सब आया है, यानी इसी को तो हमने सरल करके इतना लाया है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं अतः पहले हो चुका है अंडर रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, यानी अंडर रूट पाँच जो है पहले ही सिद्ध हो चुका है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो सात रूट पाँच भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसी तरीके से इसका तीसरा प्रश्न जो है, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन, तीसरे का थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसी तरीके से कहने का मतलब जैसे हमने प्रश्न नंबर दो सॉल्व किया है, तीन प्लस दो रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, सेम इसी टाइप से छः प्लस रूट दो भी सॉल्व होगा। देख लीजिए कर दे रहे हैं, छः प्लस रूट दो इस ये अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय
सिद्ध करो। तो इसको हम परमी मान लेते हैं। अगर परमी माना, यहाँ माना लिखेंगे, माना 6+√2 तो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यू बाई पी के रूप का होगा, यानी 6+√2 ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा पी बाई क्यू के, यानी पी बाई क्यू के ये बराबर होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 बराबर पी बाई 6 क्यू, √2 पी बाई 6 क्यू हो जाएगा। और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6+√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को और फैक्ट यहाँ पे बता देते हैं। ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप की हों, पी बाई क्यू के रूप की हों, परिमेय संख्या समझ लीजिए किसको कहेंगे, परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जो पी बाई क्यू के रूप की हों, और क्यू से जब पी में भाग दिया जाए तो वो भागफल शांत आना चाहिए। शांत का मतलब पूरा पूरा कट जाए, क्या होना चाहिए, पूरा पूरा या तो कट जाए और या तो ऐसे आना चाहिए, रिपीटेड आना चाहिए। जैसे 2 में 3 से जब भाग करते हैं हम तो कितना आता है, 2/3, तो 2/3 को जब हम भाग करते हैं, 3 से 2 में भाग करेंगे तो 0.666 ऐसे ही आएगा और ये कटेगा नहीं। कहने का मतलब रिपीटेड आना चाहिए, ये 666 आप जो देख रहे हैं एक ही संख्या रिपीट होनी चाहिए। अगर संख्या रिपीट हो रही है या अगर संख्या शांत हो जा रही है, शांत का मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है, तो उसी को हम परिमेय संख्या मानेंगे। अगर संख्याएं जैसे दूसरी संख्या ले लीजिए कोई, 7/3 देखते हैं कितना आता है, 3×2 = 6, 1/3 = 9, फिर 3×3 ये देखिए ऐसे आ रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी रिपीटेड आ रहा है, यानी 3×3×3 ऐसे आया करेगा, तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम √5 का वर्गमूल निकालते हैं, √ का मतलब वर्गमूल होता है, अगर इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो अगर इस टाइप से आता है √3, 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 मतलब कोई ऐसी संख्या आती है जो बार बार रिपीट होती, वही संख्या बार बार आती है, तो समझ लीजिए वो तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका रिपीटेड नहीं आता है, 2 का √2 निकालेंगे रिपीटेड नहीं होगा, √3 निकालेंगे तो कितना होता है, √3 का मान कितना होता है, 1.437 इस टाइप से कुछ होता है, मतलब 4, 3, 7 अगर आ रहा है तो 4 आया, 3 आया, 7 आया, इस टाइप से ऐसी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी और वो कभी कटेगा नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो रिपीट नहीं होती हैं या पूरा शांत नहीं होती, कटती नहीं है, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कह लेते हैं, अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं, ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके 3 के, अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। सारी प्रश्न नंबर 4 नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे, आप लोग पढ़ते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज को, क्योंकि यहाँ पे हम जो बता रहे हैं हर सवाल आपको बताएंगे। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है इस वीडियो का तो कमेंट में लिखिए, हम अगले वीडियो में उस कमेंट को लेंगे आपके और पुनः उस सवाल को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।